हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम ड्रॉ करने वाले कैप्टन अमेरिका का पोर्ट्रेट। सो पोर्ट्रेट को सबसे पहले मैं ऐप पर ले लेता हूं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ऐप ओपन करना है और जस्ट साइज सेलेक्ट करना है वर्टिकल और A4 साइज का, और गैलरी में जाके बस आपको अपना फोटो सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पर इतना जूम करके इसे पूरा ऊपर कर लूँगा ताकि हमें ऊपर वाला पोर्शन बस मिल सके। सो इतना भी आपको सेम क्रॉप कर लेना है, और क्रॉप करने के बाद सेम जैसे मैंने अभी पर 2-2 सेंटीमीटर का ग्रिड अप्लाई कर दिया है, और सेम ग्रिड आपको पेपर पर भी सेम ड्रॉ कर लेना है, 2-2 सेंटीमीटर का ग्रिड, और वो भी A4 साइज के पेपर पर। सो A4 साइज के पेपर पर ड्रॉ करने के बाद फ्रेंड सबसे पहले हमें चेक करना है कि हमारा जो आई है, ये देखिए जो यहाँ पर आई बन रहा है वो कौन से बॉक्स पर आ रहा है। जैसे हमारा आई यहाँ पर है, सो बॉक्स काउंट करते हैं। सबसे पहले 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सेवन से नीचे जाएंगे तो 1, 2, 3, 4 फोर्थ नंबर के बॉक्स पर हमारा आई आ रहा है। सो एग्जैक्ट हमें यहाँ पे भी मार्क करें 1, 2, 3, 4, 5, 6 अच्छा एक सेकेंड 1, 2, 1, 5, 6, 7 से नीचे ये 7 बॉक्स हो गया, 1, 2, 3, 4 सो फोर्थ नंबर का बॉक्स है। सो बिल्कुल ध्यान से मार्क करना कि एग्जैक्ट बॉक्स कौन सा आ रहा है हमारा। सो यहाँ से हम बनाना स्टार्ट करते हैं, और मैं वीडियो को थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से नज़र आए हमारा रेफरेंस फोटोग्राफ, और हम जिस आउटलाइन को बना रहे हैं उसको आप अच्छी तरीके से देख पाए। सो सबसे पहले फ्रेंड्स हम आई से बनाना स्टार्ट करते हैं। सो आई का जो पलकी होती है जहाँ पर, वो लाइन को हम पहले यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, जो कि जो बॉक्स का लाइन दिख रहा है उसके जस्ट नीचे से आप देखिए। सो आप देखते जाइए कि कौन कौन से लाइन को मैं किस तरीके से ड्रॉ कर रहा हूँ, और बिल्कुल आराम से ड्रॉ करना है, और मैं वीडियो ज़्यादा फास्ट भी नहीं करूँगा, नॉर्मल रखूँगा ताकि आपको आउटलाइन अच्छी तरीके से समझ आए कि कौन से पोर्शन को, कौन से लाइन को मैं कब ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पर। सो अभी मैं आई ड्रॉ कर रहा हूँ, और बिल्कुल ध्यान से ड्रॉ करना है यहाँ पर। और फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं आई यहाँ पर पूरा ब्लैक नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा लाइट है आई, तो हम शेडिंग पार्ट में सेम उसे इसी तरीके से बनाएंगे। और हाँ फ्रेंड्स, इस ट्यूटोरियल को मैंने पहले भी शूट किया था, लेकिन पता नहीं पूरा ड्रॉ करने के बाद पता नहीं वो वीडियो कैसे करप्ट हो गया। सो फिर से मैं इसे शूट कर रहा हूँ। सो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना फ्रेंड्स, क्योंकि आपके लाइक से, आपके कमेंट से काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। सो अभी जो आई का शेप है, जो मास्क का है, जो आई मतलब जो आई दिख रहा है मास्क के जितना पोर्शन खुला हुआ है, सो उस पोर्शन को मैं उस सर्कल को यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। सो अब देखिए किस तरीके से यहाँ पर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, और जिस तरीके से हमने लेफ्ट आई बनाया सेम उसी तरीके से हमें राइट आई बनाना है। बस आपको देखना है कि उसका शेप क्या है, किस तरीके से वो लाइन को क्रॉस कर रहा है, सेम वही चीज़ आपको देखना है और यहाँ पर भी सेम ड्रॉ करना है। आपको यहाँ काफ़ी क्लियर से दिख रहा होगा फ्रेंड, रेफरेंस फोटो भी दिख रहा होगा, और हमारा जो आउटलाइन ड्रॉ करें वो भी, तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा। आई नो कि इससे काफ़ी ज़्यादा आपका इम्प्रूवमेंट जो होता है, किस तरीके से ऑब्जर्व करना है फ़ोटो को, वो भी आपका इम्प्रूवमेंट भी बढ़ेगा। सो इतना हमने आई ड्रॉ कर लिया है, और जो सर्कल था जो मास्क का वो भी हमने ड्रॉ कर लिया है। अब हम नोज़ ड्रॉ करेंगे। तो नोज़ ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले जो मास्क का जो शेप है उसे थोड़ा बना लेते हैं यहाँ पर इस तरीके से। अब देखिए किस तरीके से मैं बॉक्स है वो बॉक्स से किस तरीके से लाइन क्रॉस होते हुए जा रहा है, एग्जैक्ट आपको सेम वही चीज़ फॉलो करते जाना है, और बिल्कुल आराम से ड्रॉ करना है। और अब मैं नोज़ ड्रॉ कर रहा हूँ। तो नोज़ तो काफ़ी सिंपल सा है, नोज़ के शेप को फॉलो करो, किस तरीके से है वो फॉलो करो, कहाँ पर डार्क एरिया है, कहाँ पर लाइट एरिया है फॉलो करो। और अगर आपको समझ में नहीं आता तो मैं इस रेफरेंस फ़ोटो का जो मैंने ड्रॉ किया उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा, आप डायरेक्ट मेरे आउटलाइन को कॉपी कर सकते हैं। सो ये एक बेनिफिट आपको मिलेगा फ्रेंड्स कि आप डायरेक्ट आउटलाइन का फ़ोटो देखकर उसे ड्रॉ कर सकते हैं। सो अभी मैं लिप्स ड्रॉ कर रहा हूँ। तो लिप्स तो काफ़ी सिंपल सा है, अपर लिप्स हमने पहले ड्रॉ किया, उसके बाद हम लोअर लिप्स को ड्रॉ कर रहे हैं। तो देखिए हमारा यहाँ पर लिप्स कंप्लीट हो गया है, और अब लिप्स ड्रॉ करने के बाद फ्रेंड सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो मास्क है उनका, सो मास्क का जो आउटर आउटलाइन है मतलब मास्क का जो शेप है उसे पहले ड्रॉ कर लेंगे। सो आप ध्यान से देखना किस तरीके से मैं फ़ोटो को देख रहा हूँ, और किस तरीके से मैं यहाँ पर फ़ोटो को मूव करूँगा वो भी देखना है। जैसे रेफरेंस फ़ोटो है, मैं जहाँ जहाँ पर जिस जिस पोर्शन को बनाते जाऊँगा उसको मोबाइल में ऐसे एक फिंगर से मूव करते जाऊँगा कि हाँ अब ये पोर्शन बना लिया, अब इस लाइन में जाएंगे, इस बॉक्स पे जाएंगे, ऐसी आपको भी करना है फ्रेंड, ताकि आप परफेक्ट आउटलाइन बना सकें। ये देखिए किस तरीके से मैं मूव कर रहा हूँ रेफरेंस फ़ोटो को, और कितना जूम है
मेरे मोबाइल पे रेफरेंस फ़ोटो, वो देखिए आप ध्यान से। सबसे पहले शेप ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पर मैं, तो इतना हमारा जो शेप है वो ड्रॉ हो गया। अब जो ये जो मास्क है उसका जो डिज़ाइन है, इसमें काफ़ी सारे डिज़ाइन है तो मैं उसे ड्रॉ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करने लायक नहीं है, बस आप यहाँ पर देखते जाइए ध्यान से कि किस तरीके से कौन कौन सा डिज़ाइन मैं बना रहा हूँ, और सेम कॉपी करने की कोशिश करिए, देखना कि कौन से लाइन को किस तरीके से मैं ले जा रहा हूँ, कहाँ पे कौन सा पोर्शन है, और रेफरेंस फ़ोटो को भी देखते रहना कि कहाँ पे मैं किस पोर्शन को ड्रॉ कर रहा हूँ। सो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है फ्रेंड्स कि आप रेफरेंस फ़ोटो भी देखो कि मैं कहाँ पे कौन से पोर्शन को ड्रॉ कर रहा हूँ, तभी आपका ड्राइंग स्किल होगा, जो ड्राइंग मतलब जो आउटलाइन है उसे ऑब्जर्व करने का है, ऑब्जर्वेशन आपका बढ़ेगा। इस तरीके से आप देखेंगे कि कौन से पोर्शन को मैं कब ड्रॉ कर रहा हूँ, अच्छा ये वाला पोर्शन ड्रॉ कर रहा है, इस तरीके से आप देखेंगे तो आपका जो ऑब्जर्वेशन है वो भी बढ़ेगा फ्रेंड्स, कि कहाँ पे किस तरीके से ड्रॉ करना है और किस तरीके से मैं फ़ोटो को देखता हूँ, किस तरीके से मूव करता हूँ, वो भी आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो सबसे पहले आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पे मैं शेप को, जो डिज़ाइन है मास्क का, उसे बना रहा हूँ। सो अब मैं जो ए लिखा है, कैप्टन अमेरिका का ए लिखा है, सो सबसे पहले मैं जो ए का, देखो यहाँ पर दो आउटलाइन दिख रहा है, एक डार्क है एक लाइट है। सो सबसे पहले मैं जो आउटर वाला आउटलाइन है ए का, उसे ड्रॉ कर रहा हूँ। उसके बाद क्या करना है आपको, इनर वाला आउटलाइन ड्रॉ कर लेना, बस सिंपल सा एक पतला सा लाइन बन जाएगा ताकि, और बाकी हम शेडिंग पार्ट में इसे और ज़्यादा परफेक्ट करेंगे। सो आप देखना, सो अभी तो मैं जो सेकेंड इनर आउटलाइन है ए का, उसे ड्रॉ कर रहा हूँ। इधर का भी पोर्शन ड्रॉ कर लेते हैं। सो अभी फेस हमारा कुछ इतना बन गया है, और अभी यहाँ पर हम ईयर ड्रॉ कर लेते हैं। तो सो ईयर तो काफ़ी सिंपल सा ही है, अब देखिए किस तरीके से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। और जो यहाँ पर जो बेल्ट लगा हुआ है, जो फेस पर मास्क जिस तरीके से फिट है, जो एक हेलमेट की तरह रहता है, उस तरीके का यहाँ पर जो बना हुआ है, तो सेम हमें उसी तरीके से बनाना है, जो वह पट्टी गया हुआ है सेम आपको वैसी ऑब्जर्व करके बनाना है। सो आप ध्यान से देखिए किस तरीके से मैं बना रहा हूँ, जो पट्टी गया है उसका जो अपर जो लाइन गया है, दो लाइन बनेंगे हम यहाँ पर। सो अपर लाइन को हम पहले बनाएंगे इस तरीके से, यहाँ पर ऐसा लाइन खींचते जाना है धीरे धीरे। रिफरेंस फ़ोटो को भी देखिए इस तरीके से मैं मूव करते जा रहा हूँ, देखते जा रहा हूँ कहाँ कहाँ पर कैसा है, और फिर इस तरीके से हमें यहाँ से इस तरीके से मिलाना है, और बिल्कुल आराम से ड्रॉ करना है फ्रेंड। जितना ज़्यादा आप टाइम देंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा आपकी ड्राइंग के लिए। सो अब नीचे का जो पट्टी का लाइन है उसे ड्रॉ कर लेते हैं। सो देखिए कहाँ पे किस तरीके से मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, और यहाँ पर इस तरीके का है, और ऊपर से कुछ कर्व सा बना है, सो उसे भी उसी सेम उसी तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पर लिप्स के नीचे, लिप्स के आइट साइड जो हल्का फुल्का शेडिंग है जिससे फेस का एक्सप्रेशन पता चलेगा, उसे भी मैं यहाँ पे हल्का हल्का सा ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि हमें आउटलाइन में अच्छी तरीके से समझ आए यहाँ पर। सो हमारा फेस कम्प्लीट हो गया यहाँ पर। सो अब फ्रेंड्स हम जो कैप्टन अमेरिका का शूट है उसे ड्रॉ करेंगे। सो इसमें तो काफ़ी ज़्यादा डिटेल है फ्रेंड्स, बहुत सारे लाइंस है अलग अलग तरीके से। सो यहाँ पर एक्सप्लेन करने को तो काफ़ी चीज़ है, एक एक चीज़ एक्सप्लेन करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। तो सबसे इजी तरीका यही है कि फ्रेंड्स कि हम जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ आउटलाइन, उसको आप अच्छी तरीके से देखो, और जिस बॉक्स पर मैं जिस तरीके से लाइन बना रहा हूँ सेम उस चीज़ को फॉलो करते जाओ, और कौन सा पोर्शन कब बनाना है मैं शेडिंग पार्ट में और अच्छी तरीके से इसे एक्सप्लेन करूँगा कि ये वाला पोर्शन है, ये कॉलर वाला है, ये डिज़ाइन वाला है। तो सबसे अच्छा ये है कि अभी जो मैं आउटलाइन बना रहा हूँ आप उसे अच्छी तरीके से यहाँ पर ऑब्जर्व करो कि किस लाइन को किस तरीके से यहाँ पर मैं धीरे धीरे ड्रॉ करते जा रहा हूँ, और जैसे जैसे आप साथ में जिस तरीके से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ सेम मेरे साथ अगर ड्रॉ करते जाएंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा ईजी पड़ेगा इस आउटलाइन को ड्रॉ करने में। वैसे तो मैं अगर आप इस रेफरेंस फ़ोटो से ड्रॉ करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकता है, लेकिन मैं अपना रेफरेंस फ़ोटो दे दूंगा आउटलाइन का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। सो वहाँ से आप काफ़ी अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं फ्रेंड, ताकि आपको इजी भी पड़ेगा आउटलाइन को समझने में। सो आप देखिए यहाँ पे किस तरीके से ड्रॉ कर रहा हूँ, बस एक एक स्टेप को अच्छे से देखना और अच्छे से फॉलो करना।
और अगर आपसे खुद से हो पाता है ये, आप ट्राई करना चाहते हैं तो ज़रूर ट्राई करना, क्योंकि फ्रेंड्स हम ट्राई करेंगे, मिस्टेक करेंगे, तभी हम नेक्स्ट ड्राइंग में अपना ड्राइंग इम्प्रूव कर पाएंगे। आई होप गाइस आपको ये वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना इस वीडियो को, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। फ्रेंड्स मैं इसमें काफ़ी अलग अलग तरीके के इजी ट्यूटोरियल वीडियो लाते रहता हूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके नए पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये ड्राइंग आउटलाइन कैसा लगा।